एक एडवेंचर की शुरुआत करते हुए अभिषेक महाजन सब कुछ नया है खाली मेरे अंडरवेयर को छोड़ के यस अभिषेक महाजन एंड वी आर बैक इन एक्शन आफ्टर ऑलमोस्ट 2 इयर्स अभिषेक जी महाजन हम लोग शेयर कार से क्यों नहीं जा रहे इसको है ना इसको सारी चीजें कंफर्ट चाहिए तो मैं अभी एक ही काम करने वाला हूँ ये पूरे जर्नी में इसका हर जगह कंफर्ट निकालूंगा यूजुअली लोग बहुत सॉर्टेड लाइफ उनका होना चाहिए और वो बहुत प्लान के साथ निकलते हैं अगर हम लोग 7-8 दिन या तो फिर 9 दिन अगर जाने वाले हैं कहीं पे लेकिन हमारे अभिषेक जी महाजन जो है ये आदमी सर साहब ने किस्सा ये किया है कि RT-PCR टेस्ट वहाँ पे कंपलसरी चाहिए अगर आपके आपने 2 वैक्सीनेशन आपके डोज कंप्लीट नहीं हुए तो इन्होंने जुगाड़ लगा के कल सुबह कराई है लेकिन अभी तक हाथ में आई नहीं उन्होंने बोला उसको 2 दिन लगेंगे तो वहाँ पे जाके क्या करेंगे कुछ नहीं जो होगा देखा जाएगा फिर अकेला बंदा क्या क्या करेगा मेरे को इसके पीछे का राज बताओ ये कैरी करने के पीछे का राज क्या है ये जब भी तुम सफर कर रहे हो ना तो भी ये लेके जाना मस्ट है अगर तुमने ये नहीं लिया है ना तो तुम्हारा वेस्ट है जिंदगी वेस्ट है सारा आफ्टर एक्सक्रूशिएटिंग ट्रैवल ऑफ ऑलमोस्ट 6 घंटे लग गए हमें यहाँ पे पहुँचने में लगभग 4 बजे तो पहुँच गए थे 4:30 बजे लेकिन उसके बाद थोड़ा खाना खाया हम लोगों ने और इतना थक गए थे व्लॉग नहीं कर पाए फ्लाइट चेंज होने की वजह से इतनी बार चेकिंग हुई इतनी बार 10,000 बार हम लोग वहीं पर रुके उन्होंने पिछली बार फिर से बुलाया फिर से आ जाओ आ जाओ मेरे चेहरे पे जो टेंशन दिख रहा था ना वो इसी वजह से था मैंने बोला था मेरे को मालूम है यहाँ पे दिक्कतें आने वाली है ये लोग चिल हम लोग फोटो वीटो निकालेंगे ये करें अरे भाई पहले जाओ देखो अभी लग गए थे लेकिन वो सर अपने गाँव के थे इसलिए मजा आ गया इसलिए उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया बिना कुछ टिकट देके मेरे को लगता है चलो घर चलते हैं वापस मेरे को नहीं लगता अपन पहुंच पाएंगे यहाँ पे इतना स्किन टोन छान मानुस गोरा उतर ही था और आदमी गोरा हो जाता है यहाँ पे आने के बाद मैं गोरा नहीं पछाया अभी पहले पास ना गोरा है कोई सेंस है बात की ये लोग जो है ऐसे लोग ये ऐसे लैपटॉप कैरी करते हैं एंड दिस पर्सन इज ऑन वेकेशन सुनो मेरी बात मेरी बात सुनो मैं एक इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ ये लोग बैग तो खुद लेते हैं और हर बार है ना दूसरे के हाथ में दे देते हैं कि भाई ये लोग बैग संभालो तो लिया क्यों मैंने खुद 2 बार संभाला ठोक दूंगा जब भी टाइम मिलेगा ना ऐसे लोगों को लाइन में खड़े ना इस बैग में आधे से ऊपर इस इंसान का है कुछ भी नहीं मेरा ये मोबाइल दिख रहा है ये इसका है निकालो चार्जर उसमें इसका है खाली लैपटॉप मोबाइल चार्जर बैग खत्म बस RT-PCR टेस्ट जो आपने करवाया था जिसका कुछ यूज नहीं हुआ उसके बारे में आपको क्या क्या है तो क्या हुआ है इंडिगो ने ना मुझे कम से कम पिछले 3 दिन में है ना 10 बार कॉल किया और बताया कि RT-PCR का जरूरी है अगर आपने दो डोज नहीं लिए हैं वैक्सीन के तो मैंने बोला अभी मैंने तो एक ही लिया है तो RT-PCR करवाया और मेरे को याद कब आया कल तो मेरे को अरे सच में मैं भूल गया तो मेरे को कल याद आया और मैं गया RT-PCR करने वो बोले 2 दिन लगेंगे आपको सर्टिफिकेट मिलने में तो मैं तभी से इंडिकेटर मेरे लग गए थे और अभी हमने कैसे भी जुगाड़ करके कांटेक्ट वगैरह निकाल के RT-PCR निकाला आज और तो यहाँ पे किसी ने चेक भी नहीं किया है ओपन हो गया हमारा दिल से बुरा लगता है यार 2 घंटे पहले पहुंचने के बावजूद हम लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि हम लास्ट बेंचर्स हैं जो पेपर में पहुंचे तीनों के पास बैग नहीं हाथ में सिर्फ टिकट ये यहाँ ये एयरपोर्ट पे शिवाजी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे जो भागदौड़ मचाई है ना हम लोग भागते हुए इतना भी टाइम नहीं मिला कि फोन निकाल के शूट कर पाऊँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता था एंड द लेडी स्टैंडिंग आखिरी वाला गेट है सामने ये हम आखिरी वाले एंटर कर रहे हैं अचानक मुझे मेरा मालिक याद आ गया पहले कल से हम ट्रैवल कर रहे थे आज हमें थोड़ा सा टाइम मिला है कि मतलब हम क्या कुछ तो भी रिलैक्स कर सके फ्रेश हो सके तो हम अभी फ्रेश वगैरह होके ब्रश आप लोगों ने देखा वहाँ पे हैंडपंप से पानी निकाल के हैंडपंप का चप्पू चला के हमने पानी निकाला और वो पानी इतना ठंडा कि बर्फ का पानी ले रहे हैं लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा फ्रेश रिफ्रेशिंग था अभी रिफ्रेशिंग लग रहा है और इसके बाद हमारा प्लान में थोड़ा सा चेंजेस हुआ लेकिन हम आज एक ही दिन में एक साथ दो इवेंट करने वाले हैं दो बड़े इवेंट हैं हमारे
तो इसमें पहला पैराग्लाइडिंग और दूसरा कौन सा रिवर राफ्टिंग, और रिवर राफ्टिंग वो भी लॉन्ग वाली। एक जो पैराग्लाइडिंग सेशन होने वाला है वो है 10 मिनट का, और जो रिवर राफ्टिंग सेशन होने वाला है वो है 50 मिनट का, जिसमें 12 क्या बोलते हैं उसको जंप्स। यस यस। और रेट्स के बारे में अगर बात करें तो मतलब जो उन्होंने बताए थे वो तो थोड़े ज्यादा ही थे, लेकिन दुगने थे, इतने भी नहीं ज्यादा थे कि बट एट दी एंड अगर ऑनलाइन बुकिंग करोगे तो आपको बार्गेनिंग का स्कोप नहीं मिलेगा यहाँ पे आके जाने के बाद। और दूसरी बात, ऑनलाइन पे जो बताते हैं बहुत ज़्यादा फेक, मतलब आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी हज़ार रुपीज़ में आपको बता देंगे कि वो पैराग्लाइडिंग करा देंगे, कैसे होगा भाई? आप सोचो ना, नहीं होता ये ऐसा। यहाँ पे आने के बाद कार के चार्जेस होते हैं, फिर यहाँ पे आने के बाद जो अपने साथ गाइड होता है उसके चार्जेस होते हैं, वहाँ पे जो लोकल लॉबी रहती है उनके चार्जेस होते हैं। ये हिडन चार्जेस उसमें बताए जाते नहीं है, जो यहाँ पे आने के बाद आपको पता चलेंगे। हाँ, ऐसा पूरा घुमा के लिखा तो ये पीछे एक गाय खड़ी है, वाओ, ये इससे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे अपने। बहुत अच्छी लगती है व्हेन यू कम इनटू दिस एटमॉस्फेयर, और अभी जो चेहरे को पानी छुआ है उससे जो रिफ्रेशमेंट आई, उसके बाद खाना वाना खा के आप जब जाते हो तो इसका एक मजा ही अलग, अपना ही अलग फील। मतलब अभी इतनी ठंड में हम लोगों ने ठंडा पानी लिया सब लिया, और अभी हम गरम गरम परोठे खाने वाले हैं, तो इसका मजा कुछ और ही है। और ही, और ही। ये इसका इस बार स्ट्रेटेजी है, ये इस बार है ना मेरे को कम से कम देने का ट्राई, क्योंकि पिछली बार लोगों का कहना था कि मार्केट मैंने खा लिया है, आपको मत सिखा चल, और अगर ये इसने कट कर दिया ना तो इसको कमेंट सेक्शन में अभी अभिषेक के ब्लॉग देखिएगा कि मैंने ये स्टेटमेंट्स में डाला है ये बताने के लिए। इतना गर्म है ना, इसे धुआं निकल रहा है यार। एक दिक्कत हो गई यार, मतलब मैं ऑयल लेके आया था 7 दिन में, सोचा सर को लगाता हूँ, वो बैग में फट गया पूरा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओ भाई साहब, सवारी देखी हमारी, 3-4-5 भाई पक्के बैठना, रगड़ा रखता हूँ मैं, देखना। अरे तो रगड़ने वाले हो? हाँ, आगे पकड़ो स्लो को, इधर से पकड़ ले। हाँ, गिर गए तो फिर को मत छावा ऑफ पुणे औरंगाबाद। आपको पता है हम क्या कर रहे हैं? में लास्ट में लेह लद्दाख गया था, उसके बाद लॉकडाउन और उसके बाद जॉब। जॉब करते वक्त एक ही टारगेट था कि सुबह 9:30 बजे ऑफिस में पहुंचना है, 6:30 बजे वहां से निकलना है। वही लोग, वही रास्ता, वही बाइक, वही डेस्क और वही पीसी। इस रूटीन में इतना मोनोटोनस फील कर रहा था कि यार ऐसा लग रहा था इससे बाहर कोई जगह ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि यार अपनी खुद की एक दुनिया से बाहर एक दुनिया होती है, वो तो आप हमारे चेहरे पे देख ही सकते हो कि कितनी खुशी है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आके बैठ जाएं, पर एटलीस्ट साल में कुछ वक्त खुद के लिए निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इस बात की फीलिंग तब हुई जब अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा टाइम बिताया। यहाँ पे आए, लैंड हुए, रूम भी नहीं बुक की, सिंगल पैराग्लाइडिंग। सो दिस इज आवर ट्रक एंड अरे मेरे को पहले नहीं जाने का वहा पता नहीं सिचुएशन में मैं अपने आगे कैसे आ जाता हूँ। मेरे को नहीं करना, मेरे से मेरे को नहीं करना, पैर कांप रहे मेरे। अरे यानी डिस्टेंस का इसमें ही था, अरे टेक ऑफ डिस्टेंस को, अरे टेक ऑफ डिस्टेंस डायरेक्ट आसे उड़ी मारे छे डायरेक्ट। ऐसा लगता है मैं जंग पे जा रहा हूं, ये जगह है ये सवाल पूछने का। एंड आई वुड लव टू से द लेजेंडरी वर्ड्स, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। मदर चोद तू यहां पे आया, ₹500 ज्यादा ले ले भाई, लेकिन लैंड करा दे।
प्रसाद पानी दारू पहले चार सेकंड जब मेरा हाथ कांप रहा अभी अरे और उसने क्या किया मेरे को तो लैंड नहीं हवा नहीं अबे हवा नहीं तो क्यों लेके जा रहा है बहुत तूफान मजा आया गाइस बहुत टेंशन आया थी नीले की क्रैश लैंडिंग हमारे पास वीडियो नीले इतना गंदा क्रैश यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा पूरा और उसको लिटरली पैर ऊपर कर और सीधे ही तो है पैर मेरे बाल है सर पैराग्लाइडिंग जैसे क्यों हो गए मेरे बाल ये तो स्कूल की याद दिला दी भाई हमें फोन आ चुका है हमारे बेस कैंप बोल सकते हैं उसको बेस कैंप से फोन आ चुका है कि रिवर राफ्टिंग का जो साहित्य है वो आ चुका है और हमें बुलाया गया है तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो अभी हम पहला ही दिन है मनाली में और सेकंड स्पोर्ट्स हम करने वाले वो है रिवर राफ्टिंग। यहाँ पे पानी इतना ठंडा कि आपको ना नहाने का मन करता है ना हाथ धोने का मन करता है ना कुछ धोने का मन करता है। आप समझ लो इसमें आपको जो समझना है वो समझ लो। लेकिन फिर भी हमने जो भी बची कुछ हिम्मत थी हमारी वो इकट्ठा कर लिए। ओए होए जम करूं तिकड़ जाते हैं भाई साहब। यहाँ पे तो भयान सर्दी है, मतलब इतनी ठंड है ना कि आप कुछ नहीं करोगे फिर भी आपको भूख लग जाएगी, ठिठुर जाओगे उस ठंड में से ठिठुर। So that was all about the vlog. Hope you guys have enjoyed it. If you are new on this channel, make sure you subscribe to the channel and give this video a big fat thumbs up. और अगले दिन के लिए stay tuned. मित्र प्रसाद, हमारा काम है कर्म करना और हमारे ऑडियंस का काम है लाइक करना और सब्सक्राइब कौन बोलेगा पप्पा।